हमें गर्व है हमारे हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। मत सोचिए आज उन पॉलिटिकल पार्टियों को, उनको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के हैं, भूल जाइए कुछ समय के लिए गंदी राजनीति, गंदी पॉलिटिक्स। अभी भी चैनलों पे देखता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात आती तो कांग्रेस ही आके नुक्ताचीनी शुरू कर देता है। अरे बेशर्मो, शर्म करो, अब तो शर्म कर लो मानवता के लिए। आज तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मोदी जी ने जो पैकेज दिया ठीक है, तो क्यों चिमचागिरी करते हो मेरे भैया दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों? इंसान इंसान का दुश्मन बन रहा है। ये शुक्र करो उस भगवान ने, भोले शंकर ने, गुरु महाराज की कृपा ने इस मुश्किल की घड़ी में हमें मोदी दिया और आज इतना बड़ा कहर आ गया। आज उसके लिए योद्धा बन के फिर खड़ा हो गया, लोगों को कहता है ये मेरा परिवार है। नरेंद्र मोदी जी ने तो अपनी जिम्मेदारी हार निभाई, हमने तो उनको कुछ दिया ही नहीं, हमने तो उनको पॉलिटिकल पार्टियों ने गाली के अलावा, बुरा कहने के अलावा, जो घटिया से घटिया कह सकते हमने नरेंद्र मोदी जी को पीछे कहा, पर वो व्यक्ति योद्धा बनके राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ा था, खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और आपके साथ हूं मैं रोहित तिवारी। चीन के वुहान शहर से वैश्विक महामारी कोरोना निकलकर आज पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुका है। एमएस बिट्टा साहब मौजूद हैं, जिनको आप देखते रहते हैं। एमएस बिट्टा साहब बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। आज हम एमएस बिट्टा साहब से इस कोरोना नामक महामारी के बारे में बात करेंगे और इससे निपटने के तमाम मंत्र भी सीखेंगे। बिट्टा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिट्टा साहब, सबसे पहला यही सवाल कि इस वक्त तमाम हिंदुस्तानियों को देशभक्ति का जज्बा जगाने का, सिखाने का, दिखाने का अवसर है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जंग बॉर्डर पर नहीं, गोली बंदूक से नहीं, अपने घरों पर रहकर इस कोरोना महामारी से जंग लड़ी जाए? हिंदुस्तान की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो इस वक्त ये है, ना हिंदू ना मुसलमान, ना सिख ना ईसाई, ना कांग्रेस ना बीजेपी, ना सीपीएम ना सीपीआई, जी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। इस वक्त सबसे बड़ा काम है मानवता की रक्षा कैसे की जाए। बम्बों गोलियों का मुकाबला हमने किया है जी। हम हमेशा कहते हैं अपनी स्पीच के अंदर, हे भगवान, कभी भी मौत देना बम्बों और गोलियों के, राष्ट्र की आजादी की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए बम्बों गोलियों से देना, बीमार होके मौत मत देना। बार बार इस बोनस की जिंदगी में मैं बार बार ये दोहराता हूं, पर आज हम उस हालात पे खड़े हो गए जिस हालात के अंदर इंसान इंसान को समझ रहा है कि मेरे सामने मौत आ गई। वो मुझे समझ रहा है, मैं उसको समझ रहा हूं, मौत आ गई। बिल्कुल, भाई भाई, बहन बहन, माँ बाबा, पति पत्नी को नहीं मिल सकते, हालात ऐसे बन गए। कुदरत का क्या हुआ, क्या खेल हुआ जी? हमारे से पूरी दुनिया में कर्म बुरे हुए, हुआ क्या, कुछ समझ नहीं आई। आज हिंदुस्तान लिबेट में नहीं, आज पूरी दुनिया में लिबेट में आ गई। इटली जैसा मुल्क जो दुनिया के अंदर हेल्थ के मामले में दो नंबर पे आता है, आज वो इटली जैसे देश ने हाथ खड़े कर दिए, उसके प्राइम मिनिस्टर ने रोना शुरू कर दिया। अमेरिका जैसा देश, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत, आज लाखों लोगों को कोरोना हो चुका है। ये तो हिंदुस्तान है, हमें गर्व है हमारे हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। मत सोचिए आज उन पॉलिटिकल पार्टियों को, उनको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के हैं, भूल जाइए कुछ समय के लिए गंदी राजनीति, गंदी पॉलिटिक्स। अभी भी चैनलों पे देखता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात आती तो कांग्रेस ही आके नुक्ताचीनी शुरू कर देता है। अरे बेशर्मो, शर्म करो, अब तो शर्म कर लो मानवता के लिए। आज तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मोदी जी ने जो पैकेज दिया ठीक है, तो क्यों चिमचागिरी करते हो मेरे भैया दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों? इंसान इंसान का दुश्मन बन रहा है। हम आपके चैनल पे नहीं आ जा सकते, आप अगर ने कैमरा मेरे पास भेजा तो मैं 20 बार उसको साफ कराया कि देखना कहीं दिक्कत तो नहीं है। ये आज के हालात है, मैं फिर कहूं, बम्बों गोलियों से शरीर का आधा हिस्सा बचा हुआ, अभी भी काम कर रहा हूं, पर मैं आज कोरोना से डर गया कि मेरे कारण आगे आगे ये कहीं जहर जो है फैल ना जाए, ये कहीं चैन जो है ये आगे ना निकल जाए। बिल्कुल बिट्टा साहब, मुझे लगता है कोरोना, प्रधानमंत्री मुझे लगता है बिट्टा साहब, कोरोना से डरना ही भारत की जीत है इस वक्त। मैं बिल्कुल सही कहूं, पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि नरेंद्र, ये शुक्र करो
ये शुक्र करो, मत कहो बीजेपी, मत कहो आरएसएस, मत कहो बीजेपी की सरकार, ये शुक्र करो उस भगवान ने, भोले शंकर ने, गुरु महाराज की कृपा ने इस मुश्किल की घड़ी में हमें मोदी दिया, जिसने 370 धारा भी हटा दी, राम जन्मभूमि का मसला भी हल कर दिया और आज इतना बड़ा कहर आ गया, आज उसके लिए योद्धा बन के फिर खड़ा हो गया, लोगों को कहता है ये मेरा परिवार है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ये मेरा परिवार है, ये बचना चाहिए, वो बार बार आंखों में आंसू निकाल के हमको कहता है और हम लोग समझने को तैयार नहीं। आज अगर लाल बहादुर शास्त्री जी, जब देश के ऊपर मुसीबत आई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कहा कि हमारे पास अन्न नहीं है, हमें एक टाइम का खाना खाना पड़ेगा, हमें एक टाइम का पानी पीना पड़ेगा, तो मुझे बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री का उस वक्त हिंदुस्तानियों ने हुक्म नहीं माना और आज भी ऐसे कई लोग हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की सोच पे चलने वाले एक टाइम का खाना खाते हैं। जनाब जैन समाज को देखिए, जैन समाज के साधु समाज को देखिए, जो जो अपने सिर को पीड़ा देते हैं, वाल को काटते नहीं, खींच खींच के निकालते हैं, जैन समाज के वो महापुरुष, और दो दो डेढ़ डेढ़ महीना ना खाना खाते ना पानी पीते, और हम लोग हिंदुस्तान में, हमें सब कुछ मिल गया, हिंदुस्तान में हमें आजादी भी मिल गई, हिंदुस्तान में रहने को हमें घर भी मिल गए, हिंदुस्तान के लिए हमें बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां भी मिल गई, पर लगातार नहीं, एक मिनट जा रहा है मोदी जी का, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, जी हर चीज नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के हर नागरिक को स्पष्ट कह दिया, भैया अपना ध्यान रखे, हर उन्होंने अपने जो हुनर थे, जो बड़े डॉक्टरों के साथ, बड़े बड़े विद्वानों के साथ, दुनिया के अंदर से उन्होंने रिसर्च निकाल के हिंदुस्तानी के हर व्यक्ति को बता दिया, और हम समझने को तैयार नहीं है, हम उस रास्ते पे, अभी भी हमारे पुलिस वाले बेचारे रास्ते के अंदर किसी का पेट में बच्चा है उसकी मदद कर रहे हैं, कोई जख्मी है उसकी मदद कर रहे हैं, अभी बॉम्बे के अंदर कई जगह के ऊपर पुलिस वाले कहते हैं अंदर चले जाओ, और वहां के कुछ लोग उनको उनको गाली दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर चला रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं, तो कहां से कोरोना को ठीक करोगे, और उसके बाद कहोगे नरेंद्र साहब, एक सवाल है कि जिस तरीके से भारत में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है, लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि कुछ ऐसा तबका है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ये महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? आप मुझे एक बताइए, गुरुद्वारे बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, कहीं कहीं मंदिर गुरुद्वारे अभी भी कहीं होगा, गुरुद्वारों में तो लंगर चल रहा है, पूरी दुनिया में गुरुद्वारों में लंगर चल रहा है, अभी कई मस्जिदें हैं, ऐतिहासिक स्थान है, हम उनके आगे सिर झुकाते हैं, मौलाना साहब आज कहां खड़े हैं सारे हमारे, कहा है मौलाना साहब, मौलाना साहब खड़े होकर बाहर क्यों नहीं कहते कि जो मस्जिद में जाएगा वो दुश्मन होगा कौम का, वो अल्लाह को नहीं मानता होगा, हमारे गुरुद्वारा साहब में कहा, सब जगह पे कहा, इस वक्त अपने घरों में सब कुछ कीजिए, लंगर बनाइए और लोगों की मदद कीजिए, क्या हर काम पुलिस करेगी, और पुलिस करेगी तो पुलिस को मारोगे और पुलिस को कहोगे इन्होंने मुसलमान भाइयों के ऊपर अत्याचार कर दिया, वही ये क्या मजाक है, ये परवानू है जनाब, इस परमाणु के अंदर हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा, मैं भी आऊंगा, आप भी आएंगे, हर व्यक्ति आएगा, अपनी जिम्मेदारी कौन समझेगा, नरेंद्र मोदी जी ने तो अपनी जिम्मेदारी हर निभाई, हमने तो उनको कुछ दिया ही नहीं, हमने तो उनको पॉलिटिकल पार्टियों ने गाली के अलावा, बुरा कहने के अलावा, जो घटिया से घटिया कह सकते, हमने नरेंद्र मोदी जी को पीछे कहा, पर वो व्यक्ति योद्धा बन के राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ा था, खड़ा है, और आज हम भगवान से रोज बिट्टा साहब, मोदी जी ने तो यह भी बोला कि मेरे को भी कोरोना हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को नहीं होगा, मेरी बात सुनो, आज पूरी दुनिया का हर व्यक्ति, कोई किसी पार्टी का नहीं, मेरी आंखों में भी आंसू है, वो कहता मोदी हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, हमारी उम्र, हमारी बची हुई जिंदगी भी तुम्हें लग जाए, तुम लाखों लोगों के रक्षक हो, करोड़ों लोगों के रक्षक, बिल्कुल, पर हम अभी भी पॉलिटिशियन आपके चैनलों के अंदर रोज देखते हैं तमाशा, खाली बैठे घरों में देखते हैं पॉलिटिशियनों को, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है तो मोदी को बुरा कहना ही कहना है, अरे आपकी हिम्मत है ना, मास्क के बगैर निकलो लोगों में, बांटो लंगर, बांटो सामान, टीवी पे आके, चैनलों में आके रुमाल निकाल के, कल मैं देखा किसी चैनल के अंदर नीले कलर की जैकेट और नीले कलर का रुमाल,
अरे बेशर्मो, बेहुदो, कुछ तो शर्म कर लो इस वक्त पब्लिसिटी के भूखे मत बनो। अभी भी मैं कई लोग देखता हूँ, अरे लंगर लगाना लगाओ, सामान बांटना बांटो। ये जो पॉलिटिक्स करते हैं सबसे बड़े दुश्मन है जो आज बिल्कुल बेटा साहब, लेकिन एक किसी समय एक और तस्वीर रोडों पर देखी जा रही है देश के। एक ऐसा निचला तबका है जो लॉकडाउन के तीसरे दिन अपने अपने घरों को जाने के लिए मजबूर है। इस पर क्या कहेंगे वो तमाम देश के मजदूर जो इस वक्त तमाम संसाधन बंद होने के बाद खाने के लिए तरस भी रहे हैं, उनको पुलिस खाना तो पहुंचा रही है, लेकिन वो पैदल अपने देश की यात्रा करने के लिए, अपने घर की यात्रा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने क्या बोला, हम इनकी व्यवस्था करेंगे, हम उत्तरांचल में भेजेंगे, हम झारखंड में भेजेंगे, हम बिहार में भेजेंगे। ये बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत बड़ा सवाल है जो आपने किया। हम तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे, हमने तो राशन पानी अपना रख लिया, पर हमने ये तो नहीं सोचा कि गरीब आदमी जो सुबह मेहनत मजूरी करके रात को रोटी खाता है उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। वो पैदल बिहार की तरफ दिल्ली से निकल पड़ा, वो पैदल बुलंदशहर की तरफ निकल पड़ा, वो पैदल मध्य प्रदेश की तरफ बॉम्बे से निकल पड़ा। जहां जहां ऐसी रिपोर्ट्स मिलती हैं, सड़कों पे ऐसे लोग पैदल बेचारे चल रहे हैं, टीवी पे दिखाया जाता है, तुरंत सरकार उसी वक्त गाड़ियों का प्रबंध करे और उन बेसहारों को बच्चों समेत वहां भेजे। ये सरकारों का काम है, यूपी सरकार ने पहल की, बिल्कुल, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी पहल करे, बसें लगाए, इतनी बसें लगाए, बसें तो आप खाली है, इसके ऊपर इंतजाम होना चाहिए और होगा, मुझे यकीन होगा, इस वक्त को कमी नहीं है।